हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी ब्रेन में आपका स्वागत। आज हम फिजिक्स में आईई इरोडो के प्रॉब्लम 3.36 पर डिस्कस करेंगे। सो आप एक बार पहले क्वेश्चन सुने। डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ वेक्टर इफ द पोटेंशियल ऑफ दिस फील्ड डिपेंड्स ऑन एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स एज वी इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ए इज अ कॉन्स्टेंट, I एंड J आर यूनिट वैक्टर्स ऑफ X एंड Y एक्सिस। ये I और J का इंट्रोडक्शन इसीलिए दिया गया है क्योंकि जो ऑप्शंस एसोसिएटेड हैं उनमें I और J का यूज किया जा रहा है। सो गिवन है कि I और J अपनी कैरेक्टरिस्टिक डायरेक्शंस में यूज हो रहे हैं। अब क्या है प्रॉब्लम, एक बार समझे कि पोटेंशियल को किसी स्पेस के लिए एक्स वाई कोऑर्डिनेट से कुछ इस तरह कनेक्ट किया गया है और इस कनेक्टिविटी के बेस पे आपको इस स्पेस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएटेड है उसे कैलकुलेट करना है। एक बात ध्यान दें कि ये जो 3.36 प्रॉब्लम है आई इरोडो का, ये एक बड़ा प्रॉब्लम है, इसमें कई पार्ट्स हैं। तो आज हम इस प्रॉब्लम के पार्ट वन पर डिस्कस कर रहे हैं, इसके अदर पार्ट्स पे हम लगातार डिस्कस करते रहेंगे। सो वी इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर गिवन है और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर कैलकुलेट करना है। तो जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया है, हम जानते हैं कि पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड को जिस रिलेशन से कनेक्ट किया जाता है वह रिलेशन कुछ इस तरह है, ई वेक्टर इक्वल टू माइनस डेल वी बाय डेल एक्स आई कैप एंड माइनस डेल वी बाय डेल वाई इंटू जे कैप। यहां पर हम देख पा रहे हैं कि डेल वी बाय डेल जेड का रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि हमारा पोटेंशियल एक्स और वाई के टर्म्स में दिया हुआ है। सो अगर पार्शियल डेरिवेटिव की हेल्प से इसमें वैल्यू पुट की जाए तो ई वेक्टर का वैल्यू बनेगा माइनस डेल वी बाय डेल एक्स, यानी वाई को कॉन्स्टेंट मानते हुए एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन, तो ये हो जाएगा ए इंटू टू एक्स आई कैप एंड माइनस डेल वी बाय डेल वाई, ये हो जाएगा ए इंटू माइनस टू वाई इंटू जे वेक्टर। सो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का वैल्यू आ जाएगा माइनस टू ए एक्स आई कैप प्लस टू ए वाई जे कैप। अब अगर हम इसमें से माइनस टू ए कॉमन ले लें ऑप्शन मैचिंग के लिए तो ये बन जाएगा एक्स आई वैक्टर माइनस वाई जे वैक्टर। This is the value of electric field और यही इस problem का सही choice है। तो इस तरीके से एक simple formula apply करके आप electric field का vector project कर सकते हैं। यहां पर ध्यान दें कि electric field को potential के differentiation से cartesian और polar सभी forms में connect किया जा सकता है। Requirement के accordingly हम उस formula को use करते हैं जो जिस फॉर्मेट में पोटेंशियल का वैल्यू गिवन होता है। यहां पर पोटेंशियल को कार्टेशियन फॉर्म में दिया गया है तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच के कार्टेशियन रिलेशन को यूज किया है। अगर फर्दर किसी प्रॉब्लम में पोलर कनेक्टिविटी दिखती है या आर थीटा के टर्म्स में पोटेंशियल को प्रेजेंट किया जाएगा तो हम उसे पोलर रिलेशन से सॉल्व करेंगे। थैंक यू।